राजस्थान पंचायत राज चुनावों का विगुल बज चुका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं प्रत्याशी भी घर घर दस्तक देकर अपनी जीत की तलाश में जुटे हुए हैं। तो वहीं चुनावी माहौल को देखते हुए बीएमआर भारत टीवी की टीम पहुंची है जमवा रामगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 में। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 12 की जनता जनार्दन की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। पंचायती चुनाव में हमारी वीएमआर भारत की जो टीम है वो यहाँ पर वार्ड नंबर 12 में आ पहुँची है और चुनाव में जनता जनार्दन की क्या प्रतिक्रिया है चलिए हम आपको बताते हैं। तो एक एक करके हम जनता की प्रतिक्रिया जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सो आपका नेम? सीमा। सीमा जी, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे अभी, आप किसको वोट करेंगी अभी? अभी तक तो यहाँ पे चुनाव के लिए जो भी आते हैं सब वादे करके जाते हैं, काम कोई भी नहीं करता। हमारी तो यही प्रतीक्षा है कि जो भी आए ना उम्मीदवार ऐसा है जो कम से कम है ना वादे नहीं करके जाए, कि एग्रीमेंट के तौर पे बोले कि हम एग्रीमेंट करने के लिए एग्री हूँ कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ की नालियाँ, सड़कें, यहाँ पे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जो भी असुविधा है वो सारी लागू कराऊंगी। यहाँ पे बसों के नाम पे भी धब्बा है, कुछ नहीं है सुविधा बिल्कुल भी। बसों में यहाँ पे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ तो चलने का नाम नहीं लेगी, कभी भी वहाँ पे बैठे ही रहो, कोई सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे एक नहीं हजारों काम, पर कम से कम कोई एक काम तो करके दिखाए जिससे हम माने कि ये काम हो चुका है या हम करेंगे। अब तो एग्रीमेंट साइन कीजिए। मैं तो नारदपुरा की जनता से भी यही अपील करती हूँ, एग्रीमेंट साइन करवा के उम्मीदवार बनाइए अपना। ठीक है, तो कौन सी सरकार से आपको ऐसा लगता है कि उम्मीदें आपकी ज़्यादा हैं? अब विनोद जाट जी आ जाते हैं तो उनसे बेहतर उम्मीद है, पहले भी थी अभी भी हम यही रखते हैं कि ये आ जाएंगे तो 100% हमारे काम हो जाएंगे। आप कौन सी सरकार को वोट देना चाहेंगी और क्यों, क्या उससे आपकी उम्मीदें हैं? विनोद जी आ रहे हैं तो हमारे लिए यानी गोल्डन चांस आ गया है। हमारे पूरे जो भी नारदपुरा के जो भी हमारे मिलने वाले सब विनोद भैया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पूरा पूरा यानी पूरा ही विश्वास है। ये दीदी बोल रहे हैं कि लिख के दे, हमें चाहे लिख के नहीं भी देंगे ना, हमें वैसे ही पूरा विश्वास है कि वो पूरे की पूरा जो भी हमारा काम है पूरा करेंगे। माने हॉस्पिटल खुलवाएंगे, बसों की सुविधा लगवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, सरकारी स्कूल यहाँ एक भी बच्चे के लिए नहीं है। ये नारदपुरा आप देखो, यहाँ एक लाइट की सुविधा नहीं है, रात को लड़की अकेले नहीं निकल सकती हैं बिल्कुल। यानी यहाँ पर जो बस रहे हैं ना हम, यानी इतना दूर क्यों आके बसे हैं कि भाई जिनके पास थोड़ी पैसे की फैसिलिटी पूरी नहीं है, थोड़े गरीब हैं तो इस वजह से यहाँ आके रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए हम विनोद भैया को जिताना चाहते हैं ताकि वो कुछ करें, क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं यहाँ कोई भी जीत रहा है कुछ नहीं कर रहा है। तो पूजा जी, अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगी, आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? मेरी नज़र में विनोद जाट है जो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतर सकता है, बाकी कोई भी नहीं है। यहाँ हर इलेक्शन में यही होता है, सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं कि भाई हम जीतते ही सब काम करा देंगे, कोई कुछ नहीं कराता है। ना यहाँ पे लाइट है, ना यहाँ नालियों की सुविधा है, ना सिविल लाइन है, यहाँ रोडें भी नहीं है, रोड लाइटें भी नहीं है, हम बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं करता है। लास्ट उम्मीदवार हमारा भी विनोद जाटी है। पानी का भी नंबर नहीं आया, पानी भी नहीं आता है, एक दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के पानी आता है। 21-22 साल हो गए हमको नारदपुरा में रहते हुए, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ की सफाई के बारे में? सफाई तो बिल्कुल नहीं है, सफाई नहीं। को ये बोलना चाहती हूँ, हम लोगों को यहाँ पे 14 साल हो गए सर, हम लोग पानी भरा भरा के इतना परेशान हो गया कि मैंने इतने बहुत से पैसों का पानी भरवाया कि आज अगर मैं चाहूँ ना तो एक गोल्ड की चीज़ मेरी बन सकती थी। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर इतने से बड़े हुए हैं, जबकि ये बच्चे यहाँ से कॉलेज स्कूल के लिए बहुत परेशान होते हैं, बस के लिए जाना आना, हम लोग बहुत इस चीज़ से परेशान हुए। हमारी गली में लाइट नहीं है, बिल्कुल गली के अंदर लाइट नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं, शर्म आती है, लेकिन क्या करें कि पैसों की वजह उसके वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसी चीज़ की हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ पर कोई अच्छा कहने को, सब जने बोलते हैं जिस टाइम वोट लेने आते हैं उस टाइम हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर हर चीज़ करवाएंगे, लेकिन कोई सुविधा हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गली के अंदर बहुत अंधेरा है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का हम लोगों को नहीं है यहाँ पर। और लाइटें रात रात को जब चले जाती है तो आने का कोई बहुत मुश्किल होता है, घर के अंदर आने में खुद ही डरते हैं, अंधेरा इतना चारों पास से अंधेरा है। और गवर्नमेंट इधर बढ़िया बढ़िया एक गली के अंदर लाइट नहीं है, गली के अंदर कोई आता जाता कोई दिखता ही नहीं है किसी को, कोई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, इस कारण चोरियां बहुत हो जाती है। दिन दिहाड़ियां घरों में से कुंडी लगा के जाओ, किसी चीज की समस्या बताई है ना। कुछ हमें उम्मीद थी लेकिन अब हमें विनोद जाट से उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि कुछ तो होगा नारदपुरा का कल्याण, बहुत कुछ होगा विनोद करते हैं वो अपने आप से भी करते हैं।
करते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं थे, फिर भी आगे आगे इसी कॉलोनी का बहुत सुधार कर दिया और अभी भी करेंगे और उसी से उम्मीद है हमारे को, उसी को और उसी विनोद जाट को आना चाहिए, वही आए, उनको आना चाहिए, वो इस लायक है, वो बच्चा पढ़ा लिखा सेंसर बहुत अच्छा बच्चा है जो हर चीज को समझता है, वो हर चीज को समझता है और है यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं, न नाली की, न लाइट की और न रोड लाइट और क्या ना बस भी नहीं है भी और वैसे कोई भी है ना, कोई भी चीज़ कोई प्रॉब्लम आती है ना सीधा हम फोन उन्हीं को ही करते हैं, और भाई आओ और वही समस्या का समाधान करते भी हैं, वही मदद करते हैं, सभी की मदद करते हैं वो लोग, और यहाँ टंकी लगा रखी है उसी के 50 रुपए लेते हैं, जो कुछ नहीं है उसके बावजूद वो इतना करते, करने के बाद वो क्या करेंगे उसी के। महिलाओं की समस्याएं तो हम लोग सुनी चुके हैं, तो चलिए अब बारी है यहाँ के पुरुषों की, तो अब हम उनसे जानते हैं कि किस किस समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। आपका नाम? जुगल किशोर। क्या समस्याएं आपको हो रही है और किसको वोट करना चाहेंगे आप? मैडम वोट तो हम विनोद जाट को करेंगे, उसका कारण भी है कि दूसरा लीडर कोई भी आता है वादा करके जाता है और पब्लिक को भूल जाता है जीतने बाद में, विनोद जाट ऐसा है जो वादा भी करेगा और निभाएगा भी, उसको पूरा जनता को विश्वास है उसके ऊपर, और वो जीतने के बाद तो बात अलग है, हारता हुआ भी मतलब वो काम करता है साधारण तौर पे भी, और 1997 में ये कॉलोनी बनी थी, जब से इस कॉलोनी का सर्वनाश हो चुका आज तक कोई नेता कोई किसी ने कोई भी कार्य नहीं किया। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके? और यहाँ पानी की समस्या, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, कोई सारी समस्याएं जो भी होती है ना वो यहाँ पे है, लोगों ने जेडे के मकान समझ करके, जेडे की कॉलोनी समझ करके यहाँ लोगों ने इतनी दूर आकर के मकान लिए थे, लेकिन आज वो सब बर्बाद हो चले हैं, कोई सरकार में कोई सुनाई नहीं है और सब जाते हैं। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल विनोद जाट को 100% वोट देंगे और जिताएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, और उनसे पूरी उम्मीद है, इनसे ज्यादा किसी से उम्मीद हो भी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो समस्याएं तो यहाँ के जो नागरिक हैं उन सब ने बताई दी, ये यहाँ पे रहते हैं और समस्याओं के बारे में विस्तार रूप से वही बता सकता है जो उन समस्याओं के अंदर रह रहा हो, ये समस्याओं के बीच रह रहे हैं, इन्होंने बता दी, अब समस्याएं बताने का मुझे नहीं लगता कि मुझे अब समस्या बताने की जरूरत है, सॉल्यूशन ए से लेके जेड तक इन समस्याओं का एक ही है, वो है विनोद जाट, वही इंसान इस एरिया में आता है तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज ये नारदपुरा जितना कुएं में जा चुका है ना, अगर विनोद जाट नहीं आता तो ये और कुएं में चला जाएगा, और हम तन मन धन से भाई विनोद जाट के साथ थे, हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उस भाई को जिता के भी लाएंगे, और मैं आपके चैनल के थ्रू सबको जो ये सुन देख रहे हैं वीडियो उन सबको एक ही गुहार करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए आपको है ना कई चीज़ें कह के बहकाया जाएगा, आपको पार्टीवाद करके बहकाया जाएगा, देखो मैं बताना नहीं चाहता कि मैं किस संगठन से संबंध रखता हूँ, क्षेत्रीय लोग सब लोग जानते हैं कि मैं किस संगठन से संबंध रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है, एक कांग्रेस पार्टी से जीत जाने से डेढ़ पंचायत का चुनाव मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ये मोदी जी सीट से नहीं उतर जाएंगे या गहलोत जी की कोई सीट बढ़ नहीं जाएगी, हाँ लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ये गोल्डन चांस है हमारे लोगों के लिए, अगर विनोद जाट इस एरिया से जीतता है जो अपनी साहेबपुरा पंचायत समिति है वार्ड नंबर बारह से अगर विनोद जाट जीतता है तो इस एरिए के अंदर विकास की वो लहर आएगी ना जो किसी ने सोची भी नहीं होगी कभी, अभी तक उनको मौका मिला ही नहीं है, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है कि वो बिना सीट पे रहते हुए भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है, अरे हम तो उनसे दिल के कायल हैं, फ़ैन थे हैं और रहेंगे, क्यों? क्योंकि देखो हम पढ़े लिखे हैं मैम, है ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे है ना ये कोई मुझे बता नहीं सकता कि मैं किसको वोट करूँ या किसको समर्थन करूँ, मैं इतना मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मैं सही और गलत की तुलना कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है मेरे को, है ना, और हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें पता है कि हमें वोट किसको देना है, हमें बात है हमारे क्षेत्र की, बात है हमारी पंचायत की, बात है हमारी समस्याओं की, यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी पीड़ा की, और उनका एक ही सॉल्यूशन है, पेन रिलीव एक ही है, वी फॉर विनोद जाट और कोई भी नहीं है, और हम हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों जो भी जहाँ पे भी जैसे भी अपना समर्थन करते रहो, चाहे सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया पे और ग्राउंड लेवल पे हो तो ग्राउंड लेवल पे, भाई विनोद जाट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट और समर्थन देकर विजयी बनाओ इस पंचायत चुनाव के अंदर, जो हमारी बादाम चौधरी है भाभी जी वाइफ ऑफ विनोद जाट वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट और समर्थन देकर विजयी बनाओ, बस यही।